बात करा के रह दी। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। जाम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। लंबे समय से स्कूल के जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पेरेंट्स को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद है यूरो इंटरनेशनल स्कूल के बाहर, जो अपने किस्सों के चलते बहुत ही मशहूर है ये स्कूल। के एक टीचर के बारे में भी यहाँ पे पता चला था जो बच्चों को धार्मिक ज्ञान दे रही थी, और अब स्कूल द्वारा इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि माँ बाप धूप में खड़े हैं और इनके बच्चों को ना ही क्लास से एक तो निकाल दिया गया और ना ही इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से माँ बाप खड़े हैं या कितनी तादाद में, और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मैम बात नहीं कर रही हैं। मैम क्या मामला था, पूरा मामला बताइए। इन्होंने हमें आज मॉर्निंग में रात को 12:30 बजे कई पेरेंट्स को मूव कर दिया है, क्लासेस नहीं होंगी, यूटी नहीं होगा। यूटी कहते हैं फीस हम रेगुलर भर रहे हैं, हम फीस पे करने के लिए तैयार हैं, ये चाह रहे हैं एनुअल चार्ज दें। एनुअल चार्ज हम किस चीज का दें जब हमारे बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा। 38% एनुअल चार्जेस देने के बाद भी, और जून में मंथ तक की फीस भी सबमिट होने के बाद, सिर्फ आज जुलाई की 20 तो डेट हुई है ना सर, और इन्होंने पहले एक रूल बनाया कि आप एनुअल चार्जेस 3 मंथ्स के अंदर, मतलब 3 किस्त इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। 3 इंस्टॉलमेंट के लिए इन्होंने बताया, मंथ जो 1 अप्रैल था वो अक्टूबर और जैन या फेब में आप दे सकते हो, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे आपको सुविधा होती है। अब इन्होंने हमारी फीस के लिए, अक्टूबर मंथ तो आया भी नहीं है, अब यूँ कह रहे जुलाई मंथ की आप फी भी पे करो और आप 50% एनुअल चार्जेस भी पे करो उसके बाद। और आज मैथ का बच्चे का यूटी है, मेरे बच्चे की फर्स्ट यूटी के अंदर थोड़ी प्रोग्रेस डाउन थी, मैंने सोचा सेकंड में कवर कर लेगा, और उन्होंने यूटी नहीं देने दिया उसके लिए कि भाई। और फिर जो फाइनल जो ये रिजल्ट निकालेंगे उसमें बच्चे के फिर मार्क्स कट हैं, फिर बच्चे को ये स्कूल क्या भविष्य बनाएगा बच्चों का जो ऐसे ही मूव कर रहे हैं, भविष्य कुछ बना सकता है हमारे पास कोई उसके लिए। पहले इन्होंने कोई कम से कम एक बार सिर्फ मैम ने एक कॉल किया परसों, अगर पेरेंट्स के 100 प्रॉब्लम है, अगर वो उस टाइम कॉल नहीं उठा पाया तो मैम एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज तो छोड़ सकते थे ना। एक बार स्कूल के अंदर लेके चलेंगे आपको कि पेरेंट्स को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, एक बार प्रिंसिपल से बात करेंगे, पूछेंगे किस तरीके से पेरेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है स्कूल के अंदर। हाथ नहीं लगा सकते सर आप मीडिया को, हाथ नहीं लगा सकते आप मीडिया को, पहले बता रहा हूँ। पेरेंट्स द्वारा स्कूल की फीस दी गई थी, अब देखिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखिए पेरेंट्स जो लगातार फीस भरते हैं, लगातार फीस भरते हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब अंदर आए हैं पेरेंट्स, देखते हैं स्कूल वालों का क्या रवैया रहता है। स्कूल के एक तरीके से स्कूल वालों को यही कहना है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। यूरो इंटरनेशनल स्कूल के बाहर हम खड़े हैं, बच्चों को क्लासेस से निकाल दिया गया है, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन लोगों की समस्या नहीं है, हर उस व्यक्ति की समस्या है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाल है ये, आपको सीएम साहब हम बता देते हैं, आपके आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, मुख्यमंत्री के आदेशों की भी सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये भाई साहब हैं जो बदतमीजी करते नजर आए मीडिया के साथ, इनको किसने हक दिया सबसे पहली बात, और किस तरीके से आप देखिए, ये एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये यूरो इंटरनेशनल स्कूल का हाल है। अपने कारनामों के चलते बदनाम ये स्कूल, आज फिर से पेरेंट्स को प्रताड़ित करते हुए स्कूल के अंदर हम आ गए हैं। आप देखिए किस तरीके से, कोशिश करेंगे प्रिंसिपल को यहाँ बुलाने की कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल का आना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवालों के जवाब देने के लिए तो कोई व्यक्ति होना चाहिए। सर और क्या क्या आपको किया गया, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है स्कूल के? या साफ बोला जा रहा है कि आप अगर एनुअल फीस नहीं दोगे तो आपके बच्चों को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ना टीसी दिया जाएगा। अगर आपको टीसी चाहिए तो लास्ट ईयर का एनुअल और इस साल का एनुअल और पूरी जो है फीस दे के उसके बाद ही उसको आगे टीसी मिल पाएगा, नहीं तो टीसी नहीं मिल पाएगा। जी, तो सर मुझे रीज़न जानना है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी पेड एनुअल चार्जेस। जी, अभी मैंने पीछे हफ्ता पहले भी चार्जेस पे करे हैं स्कूल से मिलने के बाद। इनको मैंने ये कहा कि हम भी एथिकली चलना चाहते हैं, आप भी एथिकली चलो, आप हमें रिटर्न में दो, मैनेजमेंट के द्वारा लिखा हुआ ऑर्डर सबके पास कॉपी जानी चाहिए। जब आप बच्चों से 250 रुपये एनुअल फंक्शन के चार्जेस के लिए डायरी पे चिपका देते हो तो ये पेपर देने में तुम्हें क्या दिक्कत है? आप बार बार फीस नहीं लेते, बार बार फीस नहीं लेते, एक बार लेके खत्म कीजिए, पढ़ाइए बच्चों को, एक बार लेके खत्म कीजिए। जी बताइए, एक बार आप मैम से बाद में बात कर लेना, मैम बाद में बात कर रही है आपसे। क्यों बाद में बात करनी सर, बाद में फीस ले लीजिएगा, अभी पढ़ा दीजिए बच्चों को, सिर्फ एजुकेशन राइट है सर, एजुकेशन हमारा राइट है, बच्चों का राइट है, बाद में फीस ले लीजिएगा कोई जवाब देने के लिए। आपकी अथॉरिटी पे सर ये बताइए, आपकी अथॉरिटी पे किसमें? ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट में। तो सर ट्रांसपोर्ट में आप हैं, कोई ट्रांसपोर्ट वाले पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सर फिर आप किस वजह से रोक सकते हैं? जी सर, देखिए ऐसा हमने मैडम से बात नहीं करनी है, मैंने इनको ये कहा था हमारी चेयरमैन साहब से बात कराई है, वो कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी बंदे को डेजिग्नेट तो करें,
किसी को तो डेजिग्नेट करें। हम यहाँ पे पैनिक बटन दबा देते हैं रात को 10:30 बजे कि आपके बच्चे को हटा दिया, मुझे नहीं पढ़ाना बच्चे को, आप मेरी फीस को रिफंड कर दीजिए, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। आप कह रहे हो आज एक साल हो गया है, बच्चे डिमोरलाइज हो गए हैं, टीचर प्रेशराइज किए जाते हैं यहाँ पे कि हाँ हमसे फीस ले रहे हैं ये टीचर्स। खुद मैंने आज टीचर्स को भी बोला है, मैंने कहा आप ये काम आप कर नहीं सकते। दो तरह के स्टाफ होते हैं, एक एकेडमिक और एक अन एकेडमिक। आप टीचर्स के एकेडमिक एक्टिविटीज़ को अन एकेडमिक कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर्स है तो आप बात करें, अकाउंटेंट बात करेगा? नहीं, कहते हम टीचर्स को तो अपॉइंट कर सकते हैं। तो टीचर्स को क्या यहाँ पर फीस कलेक्ट करने के लिए बुलाया जा रहा है, ये पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है, ये हमें जानना है। और हम ये मैडम इसके आंसर्स नहीं दे पाती है, मैडम इसके आंसर्स नहीं दे पाती है, इसलिए हमने कहा हमारे चेयरमैन मैडम आंसर्स तो इसलिए नहीं दे पाती है ना, क्योंकि एक तरीके से चोरी कर रहे हैं, फिर सीना चोरी कर रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन सामने आए, हमने स्कूल को बिल्ड किया है, स्कूल इन्होंने बिल्ड, हमने स्कूल को बिल्ड किया है, ये जो है नहीं है। अगर इनको तसल्ली तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एनुअल चार्जेस हमें क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट कहती है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन टू दैट, हाउ देयर से कि पेरेंट्स डिसीजन नहीं लेंगे। सर आप ट्रांसपोर्ट से हैं, अगर जिस सर्विस को मेरे बच्चे ने यूज़ नहीं किया तो मैं उसके लिए एंटाइटल ही नहीं हूँ, हाउ दे आर सेइंग कि आप एनुअल चार्जेस पे कर दीजिए। सर देखिए कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि अगर कोई पेरेंट्स आपके पास रिक्वेस्ट लेके जाता है तो आप उसकी रिक्वेस्ट सुनेंगे, ठीक है। इस स्कूल में 1,000, 1,200, 1,500 बच्चे पढ़ते होंगे, हम यहाँ 50 बच्चे हैं, अपनी रिक्वेस्ट लेकर आए, सुनने के लिए तैयार नहीं है, एप्लीकेशन दे रखी है, कहते हैं कि एनुअल चार्जेस आपको पे करनी पड़ेगी किसी की भी एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एनुअल चार्जेस की डिमांड है वो एक्सपायर लगे हुए हैं। 12 बजे बच्चों को निकालते हैं, मेरी बेटी 12th में है, बताओ बच्चे का क्या भविष्य बनेगा? पिछली बार नहीं था आपकी बार। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट के लिए लड़ते हैं लोग, सरकार पे प्रशासन पे सवाल उठाता है, आप देखिए कितने माँ बाप हैं। इतना चाहते हैं हम, अब हम सारे पेरेंट्स मिलके इतना चाहते हैं कि सत्यवीर यादव जी की तरफ से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से एक रिटर्न में हमें होना चाहिए नोटिस, जहाँ पे वो लिखें कि एनुअल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। हम बातों पे चल रहे हैं, नहीं चलेंगे, हमें रिटर्न में दीजिए, उसके बाद हमें पता है कि हाँ ठीक है, अगर हमें सही लगेगा हम पे करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम जब आप अपने बच्चे को स्कूल में लेकर आए थे तो किस तरीके से आपसे बिहेव किया गया था और अब किस तरीके से बिहेव किया? तब तो बहुत अच्छे से बात करते थे, अब तो अब इस साल तो बिल्कुल ही चेंज हो रखे हैं, ऐसे बोलते चुटकियों में जो करना कर लो, जैसे हमें बढ़ानी वैसे ही फीस हम बढ़ाएंगे। देखो सर स्टार्टिंग में जब जब स्टार्टिंग में एनुअल चार्जेस हमने पे किए थे मार्च में, तो वेरी सिंपल मैम से यह बात हुई थी कि मार्च के बाद अगर आपका बच्चा स्कूल में आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। गवर्नमेंट का रूल आया नहीं तो फोर्स क्यों करें ट्यूशन फीस देने का जबरदस्ती, ठीक है। और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर मेरा बच्चा 3 महीने के बाद स्कूल में आता है तो पेंडिंग 9 मंथ की हम देंगे, वी आर ट्रस्टिंग। अगर मेरा बच्चा स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स कर रहा है तो हम देंगे, फीस क्यों नहीं देंगे? बट ये इस टॉपिक पे ये लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं है और बहुत मिसबिहेव करते हैं एकदम से, जैसे इन्होंने बताया बच्चे को रिमूव कर दिया, छोटे बच्चे हैं उनके सेंटीमेंटल प्ले कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं बट वो रो रहे हैं। इवन बच्चों को यहाँ तक ये है कि हम स्कूल में जाएंगे, हम क्यों जाएंगे स्कूल में, वो तो हमारे को परेशान कर रहे हैं, तो बिठा देंगे बच्चों को घंटों तक लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे, उसमें पंखे वगैरह इनके पास कुछ नहीं अरेंजमेंट था, वहाँ पे गर्मी में बैठे रहते थे बच्चे, जाके फिर रोते थे मम्मी हमें लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है, फीस पे करके आओ तब वो अंदर क्लास में लेंगे। आप फीस किस चीज की बढ़ा रहे हो इस साल? कहती हमने एसी लगवाए हैं, मैं बेटा एसी एसी अपने लिए लगवाए होंगे ना मैम, उससे फिर बस यूज कर रहे हैं, मैं किस चीज के फीस एक्स्ट्रा दूं? मैं जिस दिन बेटा आए उस दिन से फीस एक्स्ट्रा लो तुम। एक बार देखते हैं अंदर पूछते हैं, कोई जवाब देने के लिए है, क्योंकि स्कूल देखे हैं आप, बच्चों से सरासर तगड़ी मोटी फीस वसूली जाती है, सवाल देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए कोई व्यक्ति या मौजूद नहीं रहता। देखिए ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो फीस वसूलते हैं, उनसे ही पूछेंगे किस तरीके से बच्चों से मोटी फीस वसूली जाती है, उसके बाद भी जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। सर आपके स्कूल में कोई है जो जवाब दे सके? कोई है सर स्कूल में? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग ही पढ़ाते हैं बच्चों को? सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग ही पढ़ाते हैं बच्चों को या फीस कोई जवाब देने के लिए भी रखा हुआ है आपने? ये देखिए ये यूरो इंटरनेशनल स्कूल के लिए हैं, रिसेप्शन पे कोई है नहीं, एसी इन्होंने लगवाए हैं तो ये फीस ज़्यादा वसूल रहे हैं। एसी किसी के किसके लिए लगवाए हैं? अपने लिए। ये देश में एजुकेशन जो एक फंडामेंटल राइट है उसके लिए बच्चों को माँ बापों को प्रताड़ित किया जाता है। देश की मट्टी पलीत नहीं भी हो तो भी हो जाती है, ये देख रहे हो अगर हमारे खट्टर साहब तक ये चीज़ पहुँचाई है जिन्होंने ऑर्डर्स दे दिए और उनके ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इससे पहले एक टीचर यहाँ पे थी जिन्होंने बच्चों को धार्मिक धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया था, बच्चों को पढ़ा रहे थे धर्म परिवर्तन किस प्रकार होता है, क्या किस पार्टी में जाना चाहिए, किस चीज़ में जाना चाहिए, आपको ये सब बताया था। यूरो इंटरनेशनल स्कूल में कुछ और पेरेंट्स से बात करेंगे। जी मैम क्या कहना है आपका बताइए?
सर ये स्कूल है देखो, इसमें रिसेप्शन में कोई नहीं है, अब मैसेज करा जाता है फ़ोन के लिए, फ़ोन किया जाता है फीस के लिए, बच्चों को निकाल दिया जाता है, तो बच्चों को जो फीस ही नहीं दे रहे, हम लोग फीस दे रहे हैं तो बच्चों को 12 बजे 1 बजे ऑनलाइन क्लास से निकालने का क्या मतलब है? एक 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 सीट पर तीन तीन चार चार बच्चों को बिठाते हैं, अब बच्ची मेरी 12 ट्वेल्थ क्लास में और अगले दिन यूटी है उसका, बताओ बच्चा क्या पढ़ेगा? सेक्शन कंबाइंड करके स्कूल चलाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसमें कि किसी बच्चे को कोई भी पढ़ाई सही नहीं होती है। फ़ी की बात है तो मैं जुलाई तक फ़ी पे कर चुकी हूँ, एनुअल चार्ज मैंने पे नहीं किए हैं। अभी आप देख सकते हो 29 जून को मैंने पे किया, उसके बाद मैंने 4 जुलाई को पे किया है। मैंने बताया कि अभी मैं और पे नहीं कर सकती, जुलाई तक का मैंने पेमेंट किया हुआ है। ये एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं जो कि हमने कहा हम किस्त बाय किस्त आपको बाद में दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम मंथली फी पे कर रहे हैं। आप हमारे दोनों बच्चों को नाइट में रिमूव कर देते हो, सुबह हमें पता लगता है यूटी है, बच्चे ग्रुप में है ही नहीं जी, तो बच्चे पैनिक हो रहे हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप बच्चों को ग्रुप से निकाल के कैसे निकाल सकते हो? आपको बात करना, आप कट टू कट पेरेंट्स से बात करो ना, आप पेरेंट्स से मिलते नहीं हो, आप बोलते हो कि आप बोलते रहो मैं तो सुनूंगी ही नहीं, ये कैसा व्यवहार है? कैसे कौन बोलता है मैम? ये कौन प्रिंसिपल बोलती है? आप बोलते रहो मैं नहीं सुनूंगी, जो जिनके भरोसे बच्चों को छोड़ा जाता है प्रिंसिपल मैडम वो यही बोलती है, आप बोलते रहे मैं सुनूंगी नहीं, ये इस यूरो इंटरनेशनल यहाँ से चली गई है, मैं चली जाती हूँ, लो आप बोलते रहो। हमारे मेरी बेटी 10th क्लास में है, उसका हमने एनुअल चार्ज भी जमा था, जुलाई तक की फीस जमा थी, लेकिन सिर्फ जुलाई की फीस इनको पता मतलब क्लियर नहीं आ रहा था इनके यहाँ पे जमा हुई या नहीं, इन्होंने उसे रिमूव कर दिया। छोटी वाली है उसके आज यूटी था, यूटी से जस्ट 10 मिनट पहले इन्होंने उसे रिमूव कर दिया। ये कोई तरीका थोड़ी ना सर, इनके स्कूल की सभी टीचर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ 50% पे किया जा रहा है, ट्रेड फैला रहे हैं, हम तो नहीं फैलाना चाहते, ये क्या सिखाना चाहते हैं हमारे बच्चों को? इसके लिए खाली टीचर ही क्यों जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जिम्मेदार नहीं है? आज जब मैं ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहती और मैं टीसी मांगती हूँ तो इनकी तरफ से टीसी भी नहीं दिया जाता है, और ये हमसे कहते हैं कि आप पिछले साल के एनुअल चार्जेस, इस साल के एनुअल चार्जेस सब कुछ आप पे करेंगे तो हम टीसी देंगे, क्योंकि हमने तो आपके बच्चे की सीट बुक कर रखी है। मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती। सर मेरी एक छोटी सी बात है, हम आज इतने इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ इतने पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, हमें सिर्फ एक सिंपल चाहिए, मैडम हमें लिखित में लिख कर दे दें कि अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो आपके बच्चों को रिमूव कर दिया जाएगा, उनको राइट टू एजुकेशन से वंचित किया जाएगा, हमें ये लिखित में दे दें। आज यूटी था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से डेजिग्नेटेड है ना, आज लिख कर दें यूटी था, यूटी वाले दिन बच्चों को क्लास से ऑफलाइन कर रहे हैं, जबकि फीस मैंने 9 तारीख को करा दी थी, ट्यूशन फीस है जो जमा करा दी इसी महीने की 9 तारीख को, आज 10 दिन बाद फिर कह रहे हैं ऑफलाइन करके बच्चों को कह रहे हैं एनुअल चार्ज जमा कराइए। आप ये पेरेंट्स द्वारा फीस जमा करवा दी गई है, यूरो इंटरनेशनल स्कूल में हम खड़े हैं, आपको एक बात बता देते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने तो बढ़िया तरीके से स्वागत किया जाता है, पर जब पेरेंट्स अपनी कोई समस्या लेके इनके पास आते हैं तो ये सरासर एक तरीके से मुकर जाते हैं। प्रिंसिपल मैडम यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, भाग गए हैं, और एक तरीके से आप देखें यूरो इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हैं, रिसेप्शन पे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, भारी फीस वसूलने वाले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखते हैं कितने लोग मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग। सर कोई अथॉरिटी है आपके स्कूल में बात करने के लिए? कोई अथॉरिटी है आपके स्कूल में बात करने के लिए? कहाँ पे जी सर? आप सैलरी नहीं लेते हैं? आप स्कूल से सैलरी नहीं लेते हैं? नहीं, आप स्कूल से सैलरी नहीं लेते हैं? प्रिंसिपल मैम से बात करो। स्कूल से जो सैलरी आप ले रहे हैं ना वो इन माँ बाप के पैसों की ही ले रहे हैं, आप उनके पैसों की ले रहे हैं। आप ये देखिए, हम प्रिंसिपल मैम से भी बात करते हैं, आप तरीके से भी बात करना सीखें। आपके स्कूल का नाम वैसे ही बदनाम है, आप अपनी तरीके से ना बदनाम करें तो बढ़िया है। जी आप किससे बात करोगे? प्रिंसिपल मैम। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फीस किसको भरते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कोई अथॉरिटी है? मैंने इतना पूछा, कहाँ पे है प्रिंसिपल मैम का रूम? कहाँ पे है रूम? रिसेप्शन पे कोई है आपके? सर कहाँ पे प्रिंसिपल मैम का रूम नहीं पता? ये यूरो इंटरनेशनल स्कूल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जिनको अपनी प्रिंसिपल मैडम का रूम ही नहीं पता। ये देखिए पेरेंट्स यहाँ पे, स्टाफ सारा गायब भी नजर आ रहे हैं, स्कूल के अंदर हम आ गए, कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। देखिए प्रिंसिपल मैम का रूम कौन सा है, प्रिंसिपल मैम से देखते हैं। जी ये देखिए सारे पेरेंट्स हैं मौजूद, पूछते हैं क्या किस वजह से। मैम कोई अथॉरिटी है आपके स्कूल में बात करने के लिए? नहीं है कोई अथॉरिटी। फीस लेने के लिए कोई अथॉरिटी है बच्चों से? मैम फीस लेने से लिए बच्चों के लिए कोई अथॉरिटी है? राइट टू एजुकेशन के लिए मैम हम आए, संवैधानिक जो अधिकार है बच्चों का, बच्चों को एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे, स्कूल खोल रखा है आपने, इस चीज़ के बारे में पूछना।
जी मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बच्चे इतने सारे पेरेंट्स परेशान हैं, इससे पहले एक मामला आया था आपकी टीचर कम्युनलिज्म पढ़ा रही थी, बच्चों को धर्मांतरण पढ़ा रही थी, और अब इतने सारे बच्चे आपके स्कूल के बाहर खड़े हैं। उससे पहले भी एक मामला आया था कि आप स्कूल में एक बच्चे को गोली भी मार दी गई थी, कुछ 15-10 साल पहले बात है, पर लगातार स्कूल इसी तरीके से फ्लो में आ रहा है ना मैम, कि एक अध्यापिका पढ़ाती हुई आ रही थी बच्चों को, अब इतने सारे पेरेंट्स खड़े हैं, फीस की बात पूछ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे मैम? फीस सबने रिसिप्ट दिखा दी है। मेरे पास जो अथॉरिटी है वो ये है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है कि एक एक करके सब पेरेंट्स आएंगे, मैं सबका सोल्यूशन कर रही हूँ, सबको सोल्यूशन दिया जा रहा है, ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं, सब आए हैं, मैं सबको एक एक करके सोल्यूशन दे रही हूँ। सोल्यूशन की तो देखिए कोविड नॉर्म फॉलो किए जा रहे हैं, इस तरह से भीड़ लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। कोविड नॉर्म्स में फॉलो किए जा रहे हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 बंदे बैठे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, इतने बेहतरीन तरीके से यूरो इंटरनेशनल स्कूल में कोविड नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो हम कोविड नॉर्म्स की अब बात ही ना करें, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 3 लोग अकाउंट्स पे बैठे थे मैम, इनके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, सारी समस्या खत्म। मैम ये कह रहे हैं कि आपका कहना होता है, आप प्रिंसिपल ही हैं स्कूल के, तो मैम ये कह रहे हैं आपका कहना होता है, जाओ जो करना है कर लो, मैं तो बात ही नहीं करूँगा जी। आप सर बात कीजिए, देखिए मैम, और ये इनका कहना है, जो पेरेंट्स फीस देते हैं मैम, उनका कहना है कि आपका रवैया इनसे बात करने का बिल्कुल गलत होता है। मैं एक बार, कौन पेरेंट्स थे अभी जो बता रहे थे कैसे बात करती हैं टीचर मैम, कैसे बात करती हैं मैम? एक बार आइए, टीचर किस तरीके से बात करती है एक बार बताइए प्रिंसिपल मैम जी। मैम ये सब बता रहे हैं जी, रिकॉर्डेड ही भी है। मैं सुनूंगी ही नहीं, अभी मुझे बोला मैम ने, ये 5 मिनट पहले मैं यहाँ पे आई हूँ तो कह रहे हैं बोलते रहो सब आके, एक एक करके आओगे तो मैं बात करूंगी, क्या हम एक एक करके बार बार में आते रहेंगे? 10-15 दिन में मेरे बच्चे को रिमूव कर दिया गया, रात को 12:30 बजे रिमूव किया है, क्या मतलब होता है मैम? आप इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं, आपके ऊपर कितने बच्चों की जिम्मेदारी है मैम? एक सेकंड मैम, आपके ऊपर कितने बच्चों की अथॉरिटी है मैम? इतने सारे बच्चे आपके भरोसे आते हैं इस देश में मैम, एजुकेशन जो है इतनी बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन की वजह से इस देश की पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ मैम इस देश में है, और आप इतने बड़े प्रिंसिपल हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, तो आप बच्चों के साथ ऐसा करेंगे किस प्रकार से? ठीक है मैम, आप एक एक करिए, आप अंदर रहिए, मैं बाहर ही बैठा हूँ, किस तरीके से आपसे? तो मैम एक एक बंदा करके हम भेजते हैं, हम इंतज़ार करते हैं। मैंने अकेले में बात की थी, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम रखी है इनके आगे, इन्होंने साफ क्लियरली कह दिया कि मैं वेव ऑफ नहीं कर सकती एनुअल फीस। अब अभी हमारे पास ट्यूशन फीस देने के लिए भी पेमेंट नहीं है, तो एनुअल चार्जेस हम कैसे दें? हम तो ये कह रहे हैं ना कि जब होगा तो हम देने को तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम जो है ट्यूशन फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी मैंने अप्रैल मई और जून की फीस दे दी है, मैंने जुलाई की नहीं दी है, तो बच्चों को रिमूव कर दिया, आज ड्यूटी था बच्चे को रिमूव कर दिया। अब मैं वही रिक्वेस्ट लेके आया हूँ कि आप जो है उसको तो ऐड कर लीजिए, चार्जेस जैसे भी होगा, अभी मैं जुलाई की फीस भी मैं भर दूंगा, और जैसे ही होगा एनुअल चार्जेस भी हम उस तरह से भरेंगे। बट इन्होंने साफ कहा कि नहीं, एनुअल चार्जेस तो आपको अभी देने ही होंगे, चाहे आप 5-5 हज़ार करके दीजिए या कैसे भी दीजिए, लेकिन आपको देना ही होगा। सर मैं 5,000 के 2 चेक लेके गई हूँ इनको अभी 10 डेट के बाद, ठीक है, उन्होंने मैम ने कहा था बाद में दे देना, कल मेरे बच्चे को फिर लैब कर दिया, ये थोड़ी मतलब होता है एक बच्चे के। आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा था कि कोई भी स्कूल बच्चों को प्रताड़ित नहीं करेगा फीस के लिए। मैम असर इनके दिमाग पे पड़ रहा है तो बच्चों के दिमाग में भी पड़ेगा, इतने बड़े स्कूल आपने मैम खोला हुआ है, इतने बड़े बच्चे आप पढ़ा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैम, आप इनकी समस्या सुलझाइए मैम, प्लीज़ सुलझाइए मैम। बाहर आपने इनको कैदियों की तरह बंद करा हुआ था गेट को मैम, सारी लाइव रिकॉर्डिंग मैम, लाइव देख रही है पब्लिक, कोई भी ऐसा इशू नहीं, बाहर बंद था, ठीक है। आप एक एक करके बात कीजिए इनसे, आप मैम बता दीजिए किसी जी, करके बात कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है ना, जब इतने लोग एक साथ कुछ अपनी बातें बोलेंगे तभी वो मैम, प्लीज़ फीस के लिए बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए मैम, एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, प्लीज़ फीस के लिए मैम प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए, बच्चे इस देश का भविष्य है, और उनके साथ एजुकेशन उनका राइट है, बच्चा अगर पढ़ेगा तो ही। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी द्वारा, बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ,
और सब कुछ होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देश को देश के बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, पर हालात ये होते हैं, ये पेरेंट्स हैं सारे निराश खड़े हैं। एक उम्मीद है सबके मन में कि अपने बच्चे को हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन देना चाहता है और अच्छा जीवन शिक्षा से ही मिलता है, और शिक्षा के जो भागीदार जो शिक्षा में खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ वो ये हैं। मैम हमने इनसे बात करी है, ये कह रहे हैं एक एक करके आपसे बात करें, फ़ोन करते हैं अलग अलग टीचर से, फ़ोन कराते हैं दिन में 10 बार, 10 दिन से कंटिन्यू में कॉल रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ, मैडम के लिए फ़ोन आ रहा है, सर का लगा रहा है, फीस सर 9 तारीख को जमा कराई है और आज 11 दिन बाद फिर रिमूव कर रहे हैं, यूटी के टेस्ट वाले दिन रिमूव करके बच्चों कह रहे हैं कि एनुअल चार्ज जमा कीजिए। बच्चे के टेस्ट वाले दिन ही बच्चों को रिमूव कर दिया है सर, भड़केंगे तभी तो आएंगे, यूटी वाले दिन करेंगे तो ऐसे क्यों आएगा कोई भी, नहीं तो इस वजह से हल्के मिले हैं सब पेरेंट्स, और ये नहीं देखे फीस रेगुलर आई है इनके पास, बच्चों के जीवन के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जब एजुकेशन जैसा बेसिक राइट आप नहीं दे पा रहे तो क्या होगा, पेरेंट्स को टॉर्चर कर रहे हैं दिन में 10 बार, नहीं है बच्चे के साथ ना इंसाफी है। जैसे स्कूल को एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, पर यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक बिजनेस खोल के शिक्षा के मंदिर में तो इन्होंने दान पेटी इतनी बड़ी रख रखी है कि वो भरी नहीं, बिल्कुल, और हम उनके ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस पेटी में फंस चुके हैं, बिल्कुल आज हम स्कूल से बाहर भी निकलना चाहते हैं पर हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षा के मंदिर में दान पेटी इतनी बड़ी है कि वो दान पेटी भरने का नाम ही नहीं ले रही है, सारे पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, सब बच्चों के एक अच्छा भविष्य देने के लिए बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, अपने हक के लिए एक छोटी सी लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक राइट एजुकेशन जो एक बेसिक राइट है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, और प्रिंसिपल मैडम से हमने बात करी है, हर चीज़ से वो मुकर गई, हमें कोविड नॉर्म्स के बारे में बता रहे थे और कोविड नॉर्म्स फॉलो हम कर रहे हैं, सबने मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन है, बस बात इतनी है कि आप इन बच्चों की फीस जो है सही से मैनेज किए, आप मुख्यमंत्री जी की तो बात मान लीजिए या उनको भी आप कुछ नहीं समझते। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पेरेंट को यहाँ पर ट्यूशन फी देने से कोई गुरेज नहीं है, किसी ने कोई मना नहीं किया, सिर्फ बात है एनुअल फ़ी की, और एनुअल फ़ी जो ये लोग चार्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल नाजायज़ है, जब बच्चा स्कूल आएगा तो एनुअल फ़ी देने में भी कोई किसी को परहेज़ नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे नॉन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस में, एनुअल फ़ी का कोई मतलब नहीं बनता है, और सारे पेरेंट्स जितने भी हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव ऑलरेडी पेड द ट्यूशन फ़ी, जुलाई की उन्होंने पे कर चुके हैं और सबके पास रसीद भी हैं। बट सर मेरा लड़का 15 साल से पढ़ रहा है इधर से, 15 साल से, 15 साल में स्कूल वालों ने क्या दिया सर उससे, 15 साल से कंटिन्यू पढ़ रहा है, उसको एकदम रिमूव कर रहे हैं वो सिर्फ ये मैनुअल चार्ज के चक्कर में, सॉरी एनुअल चार्ज के चक्कर में। इन सब पेरेंट्स की एक छोटी सी मांग है, छोटी सी मांग सिर्फ बच्चों के एजुकेशन के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए, ये सारे पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, आप देखिए प्यूरो इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल मैडम से हमने बात करी है, वो कह रहे हैं एक एक करके मुद्दा हल करेंगे, फिलहाल हम यहीं मौजूद है, देखेंगे किस तरीके से इनका पेरेंट्स का मुद्दा वो हल करते हैं। साथ ही आपको बता देते हैं ये हाल सिर्फ प्यूरो इंटरनेशनल स्कूल का नहीं, गुरुग्राम देश के और देखा जाए तो प्रदेश के हर एक स्कूल का यही हाल है, लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ खुद मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से इस पर संज्ञान दें, क्योंकि बद से बदतर सिचुएशन हो जाएगी अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, आप प्लीज़ इस तरीके से पेरेंट्स की ज़िंदगी के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, और सारे पेरेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको जल्द से जल्द इनका सॉल्यूशन निकले। यूरो इंटरनेशनल स्कूल में हम मौजूद थे और साथ ही आपको बता देते हैं कि लगातार ऐसी मनमानी जारी है। कैमरामैन तनुज के साथ घोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।